तुम्हारे इकोप्लोर में एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो तुम थ्रू इकोप्लोर, और जब तुम अचीव कर लोगे उस चीज को तो ऐसी क्या चीज है, जो फर्स्ट स्टेप क्या हो, फर्स्ट मूव क्या होगा फिर तुम्हारा? क्रिटिकल है? नहीं, क्रिटिकल तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो कोई भी मुझे लगता है पर्सन सोचता है अपना कुछ भी सेटअप करने से पहले, वो उसका विजन और एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है. तो मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी सोचा, और ये ऐसी चीज़ है ना जो समय जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हो वो बदलता जाता है. मतलब बदलता इन द सेंस मिशन नहीं बदलता है, लेकिन उसका फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होता जाता है विथ टाइम. तो फॉर एग्जांपल अभी मेरा पहला मिशन है कि मैं इंडिया के जितने इको फ्रेंडली अकोमोडेशन है उन सबको एग्रीगेट करूँ एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि कोई भी आए उसको अगर कोई नेचर बेस्ड प्लेस जाना है तो वो इको प्लोर पे ढूंढ के वहाँ पे जा सकता है. दूसरा मिशन है, इसके बाद मैं इसको साउथ एशिया में एक्सपैंड करूँ और देन द वर्ल्ड, ये है. उसके बाद साथ में हम नए जो लोग हैं जिनको इको फ्रेंडली होटल या घर बनाना है, उनको हम उनके जो आर्किटेक्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम कनेक्ट करने का काम करना चाहते हैं, ताकि सिर्फ प्रमोट तो तभी होगा ना जब और बनेंगे, और बनना भी इम्पॉर्टेंट है. तो दैट्स अ सेकेंड मिशन. और ये दोनों ही मिशन करने में मुझे लगता है काफ़ी वक्त लगेगा. मतलब इट्स नॉट कि 1 ईयर या 1-5 ईयर, कोई टारगेट नहीं है. नहीं, टारगेट स्लो एंड स्टेडी, बट इट विल टेक इट्स ओन कोर्स. आई मीन इवन इफ वी गेट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फंड, यू कांट गेट दैट एट वन गो. तो हर चीज़ अपना समय लेती है. तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि नेचर का कुछ पार्ट तो बचेगा. आई एम नॉट सेइंग वी विल सेव द एंटायर नेचर, बट हम कुछ छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन तो कर पाएंगे. और इससे हमें जो प्रॉफिट होगा हम उससे वुमेन एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. हम उससे वुमेन को, एक तो अंडर प्रिविलेज वुमेन को ट्रेन करके अपने ही कंपनी में अगर जॉब दे सके तो देना चाहते हैं. ट्रैवल इंडस्ट्री एटलीस्ट इंडिया में मैन डोमिनेटेड है, उसको हम वुमेन फ्रेंडली करना चाहते हैं. तो दीज आर लाइक सम ऑब्जेक्टिव्स. आई थिंक दीज विल ओनली टेक अंडर प्रिविलेज वुमेन. देखो खुद की फोटो समथिंग लाइक अनप्लेजेंट का स्मेल करती है. ये तुम सिटी में जो रोज मिल रही है, ये अधिकार केवल आपका था. इसकी ये अधिकार खाली आपका था. इसकी जो स्मेल है ना वो सिटी के रोज कहां पे था. हां स्वी, रोज यहां से निकल के सिटी पे जाते हैं लेकिन 3 दिन बाद जाते हैं. हाँ तो वो फ्रेशनेस. अच्छा वो मेन डोमिनेटेड सोसाइटी, वो वहीं छोड़ दो उसको, वहीं कट कुट के देख लेंगे क्या रहता है. हाँ ठीक है, मैंने बोल दिया था वैसे, मैंने डोमिनेट कर दिया ना. हो गया. मेन